हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, सर्दियों में हम अपने बर्ड्स की केयर कैसे करें। मैं अपने बर्ड्स की केयर कैसे करता हूँ, अपने सेटअप को कैसे कवर करता हूँ, क्या क्या मैं डाइट देता हूँ, क्या क्या मैंने एक्स्ट्रा इंतज़ाम किए हैं सेटअप में, जिससे कि बर्ड्स जो हैं वो सर्दी से बचे रहें, बीमार ना हों और फिट रहें, हेल्दी रहें और अच्छी ब्रीड करें। सर्दियां चल रही है और सर्दियों के साथ ही दोस्तों ब्रीडिंग सीज़न भी चालू है। ऐसे में अगर कोई बर्ड्स बीमार होता है, हमसे कोई चूक हो जाती है, हमारी लापरवाही से अगर बर्ड्स बीमार होता है, तो उसका असर भी सीधा ब्रीडिंग पे पड़ता है। तो हमें चाहिए इस सर्दियों के मौसम में अपने बर्ड्स की स्पेशल केयर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है, कैसे सेटअप को कवर करना है जिससे कि डायरेक्ट हवा हमारे बर्ड्स को ना लगे, क्या डाइट देना है और क्या मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा पूरा सेटअप है। मैंने कपड़े से कवर करके रखा है। सेटअप मेरा इंडोर में है, आप सभी जानते ही हैं, तो मैंने सिर्फ कपड़े का इस्तेमाल किया है। दो लेयर मैंने लगाई है कपड़े की, नीचे बेडशीट्स है और ऊपर ये पर्दे हैं। तो अच्छा खासा टेम्परेचर मेंटेन रहता है यहाँ पे, तो ज़्यादा कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कपड़े के इस्तेमाल से दोस्तों फ़ायदा ये है कि कपड़ा जब वो जाली के सपोर्ट में जाता है तो अंदर का जो टेम्परेचर है काफ़ी हद तक जो है वो मेंटेन हो जाता है, काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर आपने अभी तक अपने केज सेटअप में कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया तो आप करके देखिए, बिल्कुल आपको ये फील होगा जब आप सेटअप में जाएंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ, टेम्परेचर में कमी तो आई है। दोस्तों, मेरा इंडोर में तो मैंने कपड़े का इस्तेमाल किया है। अब काफ़ी सारे हमारे भाइयों का जो सेटअप है वो आउटडोर में होता है, छत पर होता है, खुले आसमान के नीचे होता है, जहाँ पे सूरज की रोशनी भी आती है, धूप आती है। तो उन भाइयों को चाहिए कि अपने सेटअप को ट्रांसपेरेंट सीट्स के बारे में आप सभी जानते हैं, जो वो प्लास्टिक्स जो आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो वो अपने सेटअप को उससे अच्छे से कवर कीजिए। और जहाँ से डायरेक्ट हवाएं आती है उस साइड से आपको अच्छे से कवर कर लेना है, जिससे कि डायरेक्ट हवाएं हमारे सेटअप में ना आए। डायरेक्ट हवा हमारे सेटअप में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर डायरेक्ट हवा थोड़ी सी भी बर्ड्स को लगी तो बर्ड सीधा फूल के बैठ जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। तो सबसे पहला काम यही है कि डायरेक्ट हवा से अपने बर्ड्स को बचाना। ट्रांसपेरेंट सीट्स का आप इस्तेमाल करें। ट्रांसपेरेंट सीट से फ़ायदा ये होगा कि सूरज की जो धूप आएगी, रोशनी आएगी, वो हमारे सेटअप में बनी रहेगी, जिससे हमारे बर्ड्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। और ट्रांसपेरेंट सीट से फ़ायदा ये भी है कि पूरे ही दिन जो है वो नेचुरल जो रोशनी है, जो उजाला है, वो सेटअप में बना हुआ रहेगा, किसी बल्ब से हमें रोशनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ट्रांसपेरेंट सीट्स का तो आप इस्तेमाल करते ही हैं, साथ में आपको कपड़े का भी इस्तेमाल करना है। कोई भी आप बेडशीट्स या बहुत से मार्केट में मिलते हैं, वो आप अपने सेटअप के ट्रांसपेरेंट सीट्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर आप एक पर्दा नुमा एक बना लें पूरे सेटअप को। जब भी आप रात हो, शाम के समय हो, जब सूरज जो है ढल जाता है, ठंड बढ़ने लग जाती है, उस समय अपने सेटअप को कपड़े से, ट्रांसपेरेंट सीट्स के ऊपर कपड़े से कवर कर दें, तो हमको डबल फ़ायदा मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंट सीट से, ठंडी हवा से तो हम बचा लेते हैं, लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा ही रहता है। तो कपड़े का अगर इस्तेमाल उसके ऊपर कर देंगे तो अंदर का टेम्परेचर काफ़ी हद तक जो है वो मेंटेन हो जाएगा, बर्ड्स हमारे सेफ रहेंगे, एक अच्छा टेम्परेचर बना रहेगा सेटअप के अंदर। अगर अभी तक आपने आउटडोर में आपका सेटअप है और आपने अभी तक कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया है, तो बिल्कुल आप कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दोस्तों, एक बात का और आपको ख्याल रखना है कि सेटअप को अच्छे से कवर कर लें, उसके बाद आपको सेटअप का एक हिस्सा आपको खुला छोड़ना है, जहाँ से डायरेक्ट हवा ना आती हो। खुला छोड़ने से ये होगा, छोटा सा हिस्सा, कि सेटअप के अंदर का जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से बना रहेगा, बर्ड्स को ऑक्सीजन वगैरह लेने में कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो आप चारों तरफ से ट्रांसपेरेंट सीट्स से कवर कर देंगे तो अंदर हवा ही नहीं जा पाएगी, तो ऑक्सीजन लेने में भी बर्ड्स को दिक्कत हो सकती है, अंदर हब्स बन सकती है। तो थोड़ा सा हिस्सा आप वो खुला छोड़ दें, जिससे कि वेंटिलेशन बना रहे। अब आते हैं दोस्तों के सेटअप को अच्छे से कवर भी कर लिया, कैसे करना ये मैंने बता दिया। अब आते हैं पानी के ऊपर।
जो हम पानी देते हैं बर्ड्स को पीने के लिए सर्दियों में, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसमें भी अगर हम कोई कमी करें तो उसकी वजह से भी हमारा बर्ड्स बीमार हो जाता है। रात के समय में हमें सेटअप से पानी को निकाल लेना है, सुबह में देना है ताज़ा पानी, गुनगुना पानी। पानी को गर्म कर लें, उसको ठंडा कर लें, नीम गर्म पानी, गुनगुना जो भी है वो पानी आप बर्ड्स को दीजिए। दिन में दो बारी आप पानी को चेंज कर सकते हैं, दूसरी बार जब भी दें तब भी आपको गुनगुना पानी ही अपने बर्ड्स को देना है। और पानी जो है वो प्लास्टिक के बाउल में देना है, मिट्टी के बाउल में नहीं देना है। गर्मियों के समय हम मिट्टी के बाउल में देते हैं ताकि पानी जो है वो ठंडा रहता है और सही रहता है पानी। उसमें गंदगी जो होती है मिट्टी के बर्तन में वो नीचे बैठ जाती है, साफ़ पानी ऊपर रहता है मिट्टी के बर्तन से। ये भी फ़ायदा होता है। अब सर्दियों के समय में हमें प्लास्टिक का बर्तन यूज़ करना है क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी काफ़ी ठंडा हो जाता है। प्लास्टिक के बाउल में इतना ठंडा नहीं होता, उसमें भी ठंडा होता है लेकिन इतना ठंडा नहीं होता जितना मिट्टी के बर्तन में होता है। तो एक तो प्लास्टिक का बोल अपने केज में, कॉलोनी में, जहाँ भी आपके बर्ड्स हैं वहाँ प्लास्टिक का बर्तन रखना है पीने के पानी के लिए। रात को पानी निकाल लेना, सुबह में फ्रेश पानी देना है, गुनगुना पानी। तो ये दो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों डाइट, डाइट हमें क्या क्या देनी है दोस्तों, डाइट के ऊपर क्या क्या मैं अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देता हूँ जिससे कि गर्मी में, सर्दियों में फिट रहे, सर्दी से बचे रहें। तो दोस्तों सॉफ्ट फूड के ऊपर, सर्दियों के सॉफ्ट फूड में क्या क्या देते हैं इसके ऊपर बहुत जल्द मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। अगर मैं यहाँ एक एक पॉइंट पर सॉफ्ट फूड के ऊपर बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके ऊपर बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगी। अब मैं जल्दी से आपको लेके चलता हूँ सेटअप के अंदर और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या इंतजाम किए हैं। बाहर से तो आपने देख लिया पूरा सेटअप इसी तरह से कवर करके रखा, अब आपको मैं लेके चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ कि सेटअप में मैंने क्या क्या इंतज़ाम किए जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे, गर्म रहे। ये गेट खोल दिया है मैंने, वो सामने हमारे सेपरेट केजेस हैं सारे ही। और ये जो आपको एक और दिखाई दे रही है ये बेड शीट्स गर्म कंबल है, ये मैंने बजीस की कॉलोनी का जो पार्टीशन है वहाँ पर मैंने इसको लगा रखा है। ये देखिए ये बजीस की हमारी कॉलोनी है, तो ये एक पार्टीशन लगा रखा है, इससे काफ़ी हद तक जो कॉलोनी है हमारी वो ठंडी से बची रहती है। ये देखिए इस साइड में भी और इस साइड में ये पूरी ये आ गया। अब मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको, ये सामने का पोर्शन है बजीस की कॉलोनी का। ये देखिए ये पूरे ही इस कोने से लेकर वहाँ पीछे तक ये पूरी ही एक ये कंबल है। तो दोस्तों इससे काफ़ी हद तक टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन है। अब आते हैं हमारे सेपरेट केज के ऊपर, ये सारे ही केज हैं। यहाँ पे वो आपको बेडशीट दिखाई दे रही है, ये रात को मैं नीचे कर देता हूँ, ये पूरे ही ये कवर हो जाते हैं। रात को ये नीचे कर देता हूँ और पूरे केज के पीछे पीछे भी मैंने एक कपड़ा लगा रखा है। ये वाइट बेडशीट जो है ये पूरे ही पीछे पूरे ही सेपरेट केजों की तरफ नीचे तक ये पूरी ही आ रही है। तो ये पूरा एकदम कवर है कपड़े से, आप देख सकते हैं। ये रात को नीचे कर देता हूँ और इस साइड में आते हैं तो ये वाली आपको बेडशीट दिखाई दे रही है, ये भी जो है ये पूरा ही नीचे तक मैं इसको कवर कर देता हूँ, ये देख सकते हैं। तो ये पार्ट भी हमारा बिल्कुल सेफ है, कपड़े का इस्तेमाल किया है मैंने चारों तरफ, ये ओपन ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों टेम्परेचर को गर्म करने के लिए अंदर मैंने किसी तरह का कोई भी बल्ब का इस्तेमाल नहीं किया है, आप देख सकते हैं। एक ट्यूबलाइट वो बजीस की कॉलोनी की तरफ है, एक हमारी ये सेपरेट कॉलोनी की तरफ ये दीवार है। ये होल्डर जो है ये खुला छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे मैं 0 वाट का बल्ब ऑन रहता है मेरा, ये यहाँ पर ही पड़ा है। ये देखिए अभी ये इसीलिए मैंने निकाला है क्योंकि उस होल्डर में इस ट्यूबलाइट का कनेक्शन है, तो अभी मैं बल्ब इसके अंदर रहेगा तो फालतू में ऑन रहेगा तो कोई मतलब नहीं है अभी दिन में, क्योंकि ट्यूबलाइट हमारी ऑन रहती है। तो ये जब बल्ब मैं लगाता हूँ रात को तो ये सारे ही ट्यूबलाइट वगैरह सभी बंद हो जाती है, तो रोशनी उस साइड में भी रहती है और रोशनी इस साइड में भी रहती है बल्ब की हल्की रोशनी। तो दोस्तों मैंने, आपने देखा कि मैंने किसी तरह का कोई भी बल्ब का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने क्यों नहीं किया है दोस्तों,
इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। हालांकि चैनल पे वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, लेकिन कुछ पॉइंट और मैं उसमें ऐड करूँगा जो कि मैं बताऊँगा कि अगर हम सेटअप में टेम्परेचर को गर्म करने के लिए किसी तरह का बल्ब यूज़ करते हैं तो उससे क्या नुकसान होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं, दोनों ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल देख सकते हैं मैंने किसी तरह का कोई भी बल्ब का इस्तेमाल नहीं किया है। तो दोस्तों मैं बस इतना ही करता हूँ सर्दियों से अपने बर्ड्स को बचाने के लिए। सबसे मेन इम्पोर्टेंट सेटअप को कवर करना, फिर उनका पानी कैसे देना, पानी और कौन से बर्तन में देना ये मैंने आपको बता ही दिया है, और डाइट में क्या क्या देना, सीड्स क्या देता हूँ मैं और सॉर फूड क्या देता हूँ इसके ऊपर बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।